मरेंगे मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बताएंगे छोड़ी बसंता गाम। आज दुनिया में जितने लोग हैं, एक दिन सबको मर जाना है। आने वाले जो लोग हैं, एक दिन वो लोग भी सब मर जाएंगे। और कुछ दिन के बाद कोई नाम भी नहीं लेगा। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम चलता है, बाकी को तो कोई जानता नहीं। करोड़ों करोड़ों में कोई एक आध दो ऐसे नाम हैं जो कुछ वर्ष तक चलता है, 100, 200, 400, 1000, 2000 साल तक। बाकी नाम तो ऐसे हैं कि कुछ लोग याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है। बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, उनको भी दुनिया कुछ दिनों में भूल जाती है। किसको गर्द पड़ी हुई है नाम लेने की। अपना स्वार्थ जब तक चलता है तब तक उस दिन नाम याद रहता है, बाकी किसी को कोई गर्द नहीं पड़ी हुई है। सब भूल जाते हैं। जो लोग शरीर छोड़ करके गए उनके नाम हम भूल गए, हमारे नाम को हमारे बाद आने वाले भूल जाएंगे। लोग कहते हैं हमारा नाम चले, हमारा नाम चले। किसका नाम चला है आज तक? अब नाम चलाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ लोग जान जाएंगे, जीते जी कितने लोग जानते हैं नाम? बहुत थोड़े लोग। अधिकतम लोग जानते भी नहीं है कि ये कौन आदमी। बड़े प्रसिद्ध है उनको भी लोग नहीं जानेंगे कि वो कौन है। मरने के बाद तो छोड़ दें। तो जो आज लोग हैं वो मर जाएंगे, तो निश्चय समझो को मरना ही मरना है। और कोई नाम भी नहीं लेगा। और होगा क्या, गांव नगर बस्ती खेत खलिहान मकान परिवार सब छोड़ करके जाना कहाँ होगा? जंगल में, शमशान में डेरा बनेगा। कोई रास्ता भी नहीं है। घर वाले भी क्या करेंगे, कब तक रखेंगे लाश को? रख करके फायदा भी क्या होगा? क्या कहते हैं, तुम ये सोचते हो कि हमारा इतना बड़ा परिवार, इतना हमारा घर द्वार, इतने हमारी जमीन जायदाद, इतना बड़ा हमारा नाम, एक दिन कोई काम नहीं आएगा। एक दिन तो सारा गांव धाम छोड़ करके जंगल में जाकर के बसना होगा।
ढोल दमामा दुर्बरी सहनाई संग भेरी, अवसर चले बजाए के है कोई राख है फेर। राजा महाराजा जमींदार सामंत कबीर साहब जमाने बहुत थे, अब तो भारत में अलग से कोई राजा नहीं रह गए, राज्य है वहां के मुख्यमंत्री उनको राजा कह सकते हैं आप। लेकिन पहले जमाने में राजा महाराजा चल चलते थे, कितने बाजा बजते थे, क्या क्या वो लोग बजवाते थे, साहब उनको लक्ष्य लेकर कहते थे कि जब तक तुम्हारी शासन सत्ता है तब तक ढोल नगाड़ा सासा सहनाई भेरी ये सब भले बजवा लो, लेकिन एक दिन तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कोई तुम्हें घुमा करके फिर रखने वाला नहीं। चलो भाई, ऐसा है कि मर गया शमशान दिखला करके ले आते हैं घर में, फिर कौन घुमा करके लाएगा, वही छोड़ देंगे। तो लाने वाला नहीं है, कोई आदमी मर गया, घर बनवाया और घर बनाने के पश्चात मर गया, संतान में ले जाकर लोग उसे दबा दिए। अब मान लो कल्पना करें, जो व्यक्ति मर गया है संतान में ले जाकर गड्ढा खोद करके दबा दिया गया है, दो चार छह दिन के बाद वो शमशान से निकल आए, अपने घर में आए तो घर के हमारे कहेंगे भैया भूत बन गए, मारो फिर भगाओ, वो डंडले का सब पीछे पड़ जाएंगे, कौन रखेगा उसको। ये दशा सबकी है, कोई रखने वाला नहीं है। लेकिन इतना जानते हुए भी आदमी मोह छोड़ता नहीं है, और ऐसा काम करता लगता है, इतने असावधान होकर के जीता है, मानो सदैव सदैव के लिए जीना है और सब कुछ अधिकार में रहेगा। एक दिन ऐसा होएगा, सबसे परे बिछो राजा राणा राव रंग सावध क्यों नहीं हुए। एक दिन तो ऐसा आना है कि सबसे वियोग हो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे राणा हो चाहे राव धनवान हो चाहे रंक हो, सबका सबसे वियोग होना है। फिर भी लोग सावधान नहीं होते हैं। साहब कहते तुम सावधान क्यों नहीं हो रहे हो, देख रहे हो सबसे सबका वियोग हो रहा है, तुम्हारी दशा भी वैसे आने वाली है आजकल में, फिर सावधान क्यों नहीं हो जाते, क्यों नहीं जागते हो। उजर खेड़े टेकरी घड़ी घड़ी गए कुम्हार, रावण जैसा चली गया लंका का सरदार, जंगल की जमीन को जोत जोत करके खेत बना लेने वाला किसान, किसी किले को खोद खोद करके आग मिट्टी ले आकर उस किले को जमीन बराबर कर देने वाला कुम्हार, उनकी बात क्या कहते हो। लंका का सरदार, लंका का राजा रावण जैसा बलवान चला गया, तब और दूसरे की बात क्या कहना है। किसान है कौन माँ और कुम्हार की क्या विचार है। रावण जिनको कहते हैं कि
उनके रावण के घर में स्वयं वरुण जैसा पानी का देवता पानी भरता था, हवा झाड़ू लगाती थी और क्या क्या सब, हवा पानी आग देवता दैत सबको जिसने बस में कर लिया था वो रावण चला गया। तो अब और कौन चलेगा, किसकी बात कहें कि अमुक रहने वाला है। अब नाम रह गया है रावण का, क्या रह गया, रावण के एक दो बच्चे का लोग नाम जान जाते हैं, रावण के बड़ा बेटा मेघनाथ उनका लोग नाम जान जाते हैं, एक दो बेटे का लोग नाम और जान जाएंगे। बस नाम कुछ दिन चल रहा है, वो बदनाम होकर के चल रहा है, लेकिन रह क्या गया रावण का। और रावण को जिन्होंने मारा उस राम का भी केवल नाम ही तो रह गया है, और उनका क्या रह गया है। राम का नाम चलता है, राम के बेटे के रूप में लवकुश वो लोग जानते हैं, लेकिन लवकुश के बेटे कौन है पता नहीं, गायब, काल ने पूछ करके रख दिया। लोग यह होता है कि महाराज हमारा वंश कैसे चलेगा, जिनको भगवान कहा जाता है राम का, उसका वंश चला। अरे राम के दो बेटे हुए लवकुश, और लवकुश की वीरताई क्या है, लड़ाई में अपने बाप को हरा देना, और कौन सा काम किया लवकुश ने, अपने पिता को राम को लड़ाई में हराने का अलावा कोई काम किया लवकुश ने, कोई और काम तो नहीं किया। उसके पश्चात क्या हुआ पता नहीं, गायब। लक्ष्मण के भरत के शत्रुघ्न के दो दो बेटे कहते हैं कहाँ गए पता नहीं, कहाँ कर रहा है बंद। कृष्ण के बेटे कौन, बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं कृष्ण के कितने बेटे रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बाद क्या हुआ, कृष्ण का वंश चला, कहाँ चल रहा है कृष्ण, किसका वंश चला है, कब तक। यहाँ तो इस साखी में साहब ये कहते हैं किसान और कुम्हार की बात तो क्या है, रावण जैसा लंका का सरदार इतना सुरवीर योग्य वे भी चले गए दुनिया से, अब और कौन रहने वाला है। और रावण जैसे चले गए तो हम क्या हैं, हमारी कौन गणना है, चींटी के बराबर भी हमारा अस्तित्व तो नहीं है दुनिया में, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा है कि आकाश पाताल में न समाए, और यही अहंकार रात दिन हमें रगड़ रहा है, पता नहीं चलता है। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। आजकल के बीच में जंगल में निवास हो जाएगा, गड्ढा खोदकर के लोग दबा देंगे, और फिर तुम्हारे ऊपर तो लोग हल चलाएंगे और घास उगेगी, जानवर घास खाएंगे, और हो गया क्या इसके अलावा। हार जरे जस लाकरी के जरे जो घास, सब जग जरता देख कर भय कबीर उदास। जिस शरीर की बड़ी पुष्ट हड्डियों पर हमें अहंकार है, हाँ शरीर की हड्डी बड़ी पुष्ट मजबूत है हमारा शरीर,
साहब कहते हैं एक दिन तुम्हारे शरीर की हड्डियां लकड़ी के समान जल जाएंगी। जिस बाल को रोज संवारते हो घास के समान जल जाएंगे। सारा संसार तो जल रहा है। साहब कहते हैं कि सब जग जड़ता देखकर भया कबीर उदास, पूरे संसार को काल की आग में जलते हुए देख करके कबीर साहब कहते हैं मैं उदास हो गया। किससे मोह करें, किससे बैर करें, किसके लिए करें, सब कुछ निरंतर जल रहा है चारों तरफ, काल की आग लगी हुई है और सब चीज निरंतर जल रही है, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें फूटी हुई है। देखने वाले कुछ मुमुक्षु होते हैं, साधक होते हैं, वही अपना कल्याण कर जाते हैं। देख ले हम संसार की हकीकत, ऐसे ही जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं, दृष्टि ही बदल जाएगी। लेकिन हमारी दृष्टि पर तो ऐसा मारा चढ़ा हुआ है, मोह का, अहंकार का, अज्ञान का, कि कुछ हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं पूरा संसार को मैं जलते हुए देख रहा हूँ और मेरे में मन में उदासी आ गई थी। इसी संसार में रहकर क्या हो, किससे मोह करूं, फिर मैं किसके लिए। पानी केरा बुदबुदा, इस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। जिस शरीर का हमारा हमें बड़ा अहंकार है, वो शरीर है कैसा, पानी का बुदबुदा। बस बुदबुदा बनता है पानी में, बना और मीठा, बर्फा होती है, पानी गिरता है, बहता पानी जमीन में ऊपर से फिर बूंदी पड़ती, उसमें बुदबुदे बनते रहते हैं, बने और मिटे बस। इससे अधिक शरीर की वास्तविकता नहीं है। देखते देखते दिन ऐसा लुप्त हो जाएगा इस शरीर, जैसे सूरज के उगने पर सारे तारे छिप जाते हैं। देखो उसको, उन तारों को फिर दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे ही शरीर दिखाई थोड़े पड़ेगा, तारे तो फिर उगाते हैं रात में, लेकिन शरीर गया एक बार तो गया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात को सोने में खो दिए, दिन को खाने पीने में और फिर धंधा करने में खो दिए। ऐसा उत्तम मानव जीवन मिला था हीरा के समान, लेकिन कौड़ी के बदले में यह बिक रहा है। प्रायः कहा जाता है हीरा सरीखे जीवन, क्योंकि हीरा बहुत थोक होता है और मूल्यवान होता है, इसलिए जीवन की तुलना हीरा से की जाती है। लेकिन वैसे देखो तो हीरा का इस जीवन की बराबरी क्या करेगा। आखिर हीरा अंततः गत का पत्थर ही तो है, और जीवन तो अनमोल है,
कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया की संपत्ति लेकर अपने जीवन को देना नहीं चाहेगा। सोचेगा कि जीवन को दे दूंगा तो फिर मैं दुनिया संपत्ति मिल जाएगी, मुझे क्या होगा, फिर बेकार है। कि ऐसा उत्तम जीवन हमें मिला है, कर क्या रहे हैं हम, कौड़ी के बदले देख रहे हैं। कौड़ी क्या है? ये इंद्रियों के विषय, राग रंग प्रमाद, मान सम्मान की लालसा है, सब कौड़ी तो है। और इनके पीछे ही जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। कै खाना कै सोना और न कोई चित, सदगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। या तो खाना या तो सोना, बस और कोई बात ध्यान में नहीं आती है। पेट भर गया, खूब नींद ले लिए, कहते हो गया काम, और चाहिए क्या। जो आदि और अंत का, शुरू से आखिर तक का मित्र है, हर समय कल्याण करने वाला, हर समय सुख देने वाला, सद्गुरु के उन शब्दों को, ज्ञान के शब्दों को भूल गए। ये जीवन ज्ञान का मोती चुगने के लिए, ज्ञान का मोती संग्रह करने के लिए मिला था, अब मिला हुआ है, ये बात मन में बैठती नहीं है, आती ही नहीं है। बस खाना सोना, बस सोते हैं, पेट भर खाने को मिल रहा है, आराम से सोने को मिल रहा है, कमी क्या है, और इससे चाहिए क्या। जैसा जानवर सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेता है, रात हुई सो जाता है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे आदमी भी कर रहा है, हम भी यही कर रहे हैं। जो शुरू से आखिर तक सब समय हर जगह का हमारा मित्र है, साथ देने वाला, जिसका प्रयोग करके हम अपने आप को दुखों से सर्वथा छुड़ा सकते हैं, सदगुरु के उन शब्दों को, ज्ञान के उन शब्दों को हम भूल गए, उनके याद भी नहीं करना चाहते। आछे दिन पाछे गए, गुरुओं किया नहीं, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ है आछे दिन पाछे गए। आप सुनते हो गए साक्षी में कि पाछे दिन पाछे गए, वो पाछे दिन नहीं है, आछे दिन ही है। गाने वाला गा लिया है पाछे दिन कह करके, आछे दिन अच्छे दिन, जवानी का दिन अच्छा दिन है, स्वस्थता, शरीर में ताकत है और बुद्धि भी बराबर काम कर रही है। कल्याण का अर्थ है कल्याण करने का जो सुअवसर था, जिस उम्र में, जिस अवस्था में अपना कल्याण का काम पूरा कर सकते थे, भवबंधन से अपनी छुड़ा सकते थे, वो दिन, वो स्वस्थता के दिन, वो स्वतंत्रता के दिन पीछे चले गए। अब तो बुढ़ापा आ गया, जर्जरता आ गई, चारों तरफ से मोह माया से मन घिर गया है, अब वो सौसर कहाँ रह गया। तो साहब कहते हैं वो दिन अच्छे दिन, जब कल्याण की पूरी सामग्री मिली हुई थी, शरीर में ताकत भी थी, वो पीछे चले गए, लेकिन गुरुओं किया नहीं। अभागा आदमी गुरु से प्रेम नहीं किया, गुरु के ज्ञान से प्रेम नहीं किया, अब पताता है कि भैया बूढ़ा हो गए, जर्जर हो गए, अब हो गए, अब तो दुख है, तो
पछताने से क्या होगा, कितना पछताएं कितना पछताएं, अब वो दिन लौट करके आएगा नहीं। चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चिड़िया खेत को चुग गई है, पहले ही होशियार हो गए होते, बाड़ लगा लिए होते, रखवाली किए होते, चिड़िया खेत चुग चुकती, पहले ही सावधान हो गए होते तो ये काम करो लोबादी अंतकरण रूपी खेत के ज्ञान फसल को शांति फसल को सुखते क्यों, नष्ट क्यों करते। उस समय तो था, अरे अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो शरीर में ताकत है, अभी तो दुनिया के भोग भोग लें, देखा जाएगा बुढ़ापा में भजन, फुर्सत मिलेगी तो वो भी कर लेंगे। और फिर उसके लिए बहुत दौड़ धूप ये करने की जरूरत क्या, भगवान तो भाव का भूखा है, एक बार प्रेम से पुकार लो भगवान को, बस बेड़ा पार कर देगा, इस भुलावा में इस धोखा में अपने को डाले रहे। जर्जरता आई, सब तरफ से घिर गए तो भगवान की याद आएगी, जो किए धरे हैं वही तो आता रहेगा मन में, पछता रहे हैं अब तो होने वाला क्या है। अब वो कितना पश्चाताप कर लें, बीता हुआ अवसर लौटने वाला है नहीं, वो तो आगे ही बढ़ना है। कल कहा था कि जीवन की गाड़ी ऐसी है, न ब्रेक है न रिवर्स गियर, लौटा करके फिर समय आने को लाने का कोई चारा नहीं है, और रुकने वाला भी है नहीं। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जाती चाल। समान रूप से आदमी कहता है आज नहीं, भजन जरूर करूंगा लेकिन कल करूंगा, और जब कल आता है तब कि आज ही ऐसा अवसर आ गया, आज ऐसे एक जरूरी काम आ गया तो करना है, वहाँ जाना है, कल फिर करूंगा, बस आज कल आदमी करता है, और कल वैसे कभी आता भी नहीं है। जो भी काम किया जाता है वर्तमान में ही किया जाता है, कल के भरोसे रहने वाला आदमी सदैव धोखा खाता है। आजकल के करते करते ही होता क्या है, सारा अवसर चला गया, अवसर रुकने वाला थोड़ा है, इसका तो काम ही खितकना खितकना खितकना। महाभारत सीरियल मैं तो देखा नहीं था, एक दो कहीं अवसर पड़ गया था देखा, तो देखा चक्र चलता है, समय का चक्र बराबर घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। समय के पास कहीं रुकने के लिए समय नहीं है, हमारे पास भले हो कहीं रुकने का समय, लेकिन समय के पास समय नहीं है कहीं रुकने के लिए कि यहाँ चलो एक घंटा रुक लाऊं या दस मिनट रुक लूं। समय कहीं समय के पास समय ही नहीं है ठहरने के लिए, और हम करते रहते हैं कल कल कल, और कल कल करते करते काल आ जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। कल के धोखे में जो रहा, कल के भरोसे में जो रहा वो धोखा ही खाया, इसलिए कल के भरोसे न रह करके आज का उपयोग कर लें। जिन्होंने आज को संवार लिया उन्होंने अपने पूरे जीवन को संवार लिया, और जिन्होंने आज को नहीं संवारा उन्होंने अपने पूरे जीवन को बिगाड़ डाला। आज ही जीवन है, जीवन कल नहीं है,
जीवन आज ही है, आज को संवार ले तो जीवन संवर जाएगा, कल फिर संवारने का अवसर नहीं रहेगा। काल करे सो आज कर, सब ही काज तू साथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। जो शुभ काम तुम्हें करना है, कल्याण भक्ति सेवा सत्संग साधना स्वाध्याय का, सदगुरु कहते हैं उसे आज ही कर लो। सब ही साज तू साथ, क्योंकि कल्याण करने की पूरी सामग्री आज तुम्हारे साथ है। जो काम हम कल करना चाहते हैं उसे आज ही क्यों ना कर ले। आज ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके लिए हम टाल रहे हैं कल। ये पक्का निश्चय हो जाए कि अगले सोमवार को मेरा शरीर छूट जाएगा, तो अगले सोमवार को जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो ये बाकी के दिन में जो काम हमें करना है उस काम को आज ही करने में कौन सा ये है दिक्कत है। दुनिया ही बदल जाएगी ना, लेकिन आदमी का मन ऐसा पाजी कि सदैव जो सोचेगा दुनिया के बाद वही और रुपया बढ़ जाए। सदगुरु ने कहा है ना, टका दस बिढ़े और लेख है बे, या अपने मरे और लोग रोवे। अपना मर रहा है औरों के लिए रो रहा है कि बाल बच्चे क्या करें, खाएंगे कैसे जिएंगे। कहा गया कि आपको ये पता चल जाए कि आज से सातवां दिन आपका शरीर निश्चित रूप से छूट जाएगा तो क्या करोगे। एक आदमी ने कहा आज ही जाकर के बीमा करवा लूंगा। इतना पागल है आदमी, इतना दुनिया के पीछे का मन दौड़ रहा है कि नहीं धन धन ऐसा अपने को धोखा देने में लगा है आदमी। सदगुरु कहते हैं कि जो काम कल्याण का जो काम तुम कल करना चाहते हो उसे आज क्यों नहीं करते। कल्याण की पूरी सामग्री तो आज तुम्हारे साथ में है, काल काल तू क्या करे, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा ऐसा तू क्या करे। अरे कल कल तो काल के हाथ में है, कल तुम कल कल तुम काल के हाथ में चले जाओगे फिर काल तुम्हारे लिए नहीं आएगा, काल आ जाएगा। कल नहीं आता है, काल आता है, और काल आएगा तब कुछ कर नहीं पाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर न होएगी बहुरी करेगा कब। कल्याण साधना का जो काम, सेवा परोपकार भक्ति का जो काम कल करना चाहते हो उसे आज करो, आज करना चाहते हो उसे अभी कर लो तत्काल, क्योंकि पल में ही प्रलय हो जाने वाला है, फिर करने का अवसर रहेगा नहीं। पाव पलक की सुध नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारे सी जो तीतर को बाज। एक पल के चौथे हिस्से का भी भरोसा नहीं है कि इतने में क्या हो जाएगा, लेकिन आदमी साज ठटता है कल के लिए, कल मैं ऐसा करूंगा कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं आराम से रहूंगा, कल मैं बड़ी शांति से जीऊंगा,
काल तो अचानक उसी प्रकार मार लेगा जैसे तीतर पक्षी आकाश मुड़ता है, बाज देखता है, झपट्टा मारता है और पंजे में चोंच में दबा कर ले जाकर उड़ जाकर खा लेता है। ऐसे हम सब तीतर के समान हैं और काल बाज के समान। तीतर का क्या चलेगा बाज के सामने? और तीतर भी छोड़ दो, तीतर भी तेगा काल के सामने तो बड़े बड़े लोगों की कोई विश्वास नहीं है। लेकिन सदैव आदमी कल्याण का काम कल पर टालता है। एक भी बुरा काम ऐसा नहीं होगा जिसे आदमी कल के लिए टालता होगा, कोई बिरला बिरला हो तो नहीं है। बुरे काम को करने के लिए जितनी तत्परता आदमी के मन में है उसका दसवां हिस्सा तत्परता कल्याण के लिए हो तो बेड़ा पार हो जाए। चोर लंपट व्यभिचारी आतंकवादी डाकू हत्यारा कल पर नहीं टालता है, मौका आया तुरंत कर लिया। लेकिन कल्याण का काम कल पर टालता जाता है, सभी कल पर टालता चला जाता है। इन समझता मैं तो चीतर के समान एकदम असहाय हूँ, काल मुझे पकड़ कर खा जाने वाला है। पाव पलक तो दूर है मोपे कहा न जाए, ना जानो क्या होएगा पाव के चौथे भाई। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई पल की चौथाई की उसके बात तो बहुत दूर है, मुझसे तो यहाँ तक नहीं कहा जाता कि पल के जो चतुर्थांश चतुर्थांश है उसमें क्या होगा। अभी बैठे हैं, सांस रुक गई, काम खत्म। कितने लोग हैं ऐसे बैठे हैं बस, अब बैठे बैठे बात करते करते चले गए। हम कहते हैं कैसे हो गया, अब कैसे बता जाए कैसे हो गया? हो गया बस, कोई उपाय है उसका? ऊंचा दिसे धौहरा माड़ी चीटी पोल, एक गुरु के नाम बिन जब मारेंगे रोल। धौहरा ऊंचा मकान, तुम्हारी अटारी, तुम्हारी अट्टालिका, तुम्हारी बिल्डिंग बहुत दूर से दिखाई पड़ती है क्योंकि बड़ी ऊंची है। और माड़ी चीटी पोल अनेक रंगों से तुम्हारी बिल्डिंग रंगी हुई, अनेक प्रकार की चित्रकारी वहाँ उसमें बनी हुई है। लोग प्रशंसा भी करते हैं, भाई देखो इनका मकान कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर रंग रोगन है, कैसे कैसे चित्र बनाए गए हैं। और आदमी के लिए अहंकार होता है हमारा ऐसा ऊंचा मकान। लेकिन साहब कहते हैं एक गुरु के नाम बिन जम मारेंगे रोल, ये सब निस्तार है तुम्हारा। एक गुरु के नाम के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना जमरात तुम्हारे सिर पर डंडा मारेंगे। ये मकान, ऊंचा मकान तुम्हें छोड़ करके खाए, ये मकान तुम्हें तुम्हारी रक्षा कर नहीं पाएगा। कितने ऊंचा मकान बना लो जमरात दौड़ करके वहां जाएगा, तुम्हें मार करके खा जाएगा। तुम्हारा कोई रक्षक है तो गुरु का नाम, नाम करते गुरु का ज्ञान, गुरु ज्ञान के अलावा और कोई रक्षक नहीं है। और गुरु ज्ञान का अर्थ है उसका जीवन में प्रयोग करना। ऊंचा मंदिर मेड़िया चुना कली ढुलाए, एक एक गुरु के नाम बिन जदि तभी पर ले जाए। चुना पत्थर सीमेंट आदि से खूब ऊंचा मकान बनवाए और अनेक प्रकार के बेल बूटे, अनेक प्रकार से सब क्या क्या कुछ बनवाए उसने।
लेकिन एक गुरु के ज्ञान के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा ये मंदिर आजकल में देखते देखते नष्ट हो जाएंगे। नष्ट न भी हो, क्योंकि हमारा शरीर तो नष्ट होना ही होना है। कितने आज खंडहर मिलते हैं, उनको बनाने वाला कौन, उस मकान का कितने किले मिलते हैं, किस राजा ने उस किला को बनवाया, कुछ पता नहीं है। उनके बाल बच्चे कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं है। रह भी गया मकान, लेकिन मकान बनाने वाले को तो जाना है। और एक दिन तो उस मकान को ढहना ही ढहना, कब तक रहेगा वो भी। यहाँ अर्थ ये नहीं है साहब ये नहीं कहते कि मकान मत बनाओ, लेकिन अपना जो असली मकान है, कल्याण का मकान, सदस्थिति का मकान, उसका भी तो ख्याल करो। और उसी का ख्याल नहीं होता है। ऊंचा महल चुनाइया, सुवर्ण कली झुलाए, वे मंदिर खाली पड़े, रहे मसाना जाए। ऊंचा महल बनाया, जगह जगह सोने के बेलबूटे बनवाए, लेकिन वे मंदिर वो मकान भी खाली पड़ गए। और मकान बनाने वाला संस्थान में जा करके समा गया, वहां जाकर बस गया। अब ऐसा बसा, फिर वहां से लौट करके अपने बनाए मकान को देखने अब आ नहीं सकता है। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग। सातों शब्द सारे गमा पधनी, ये शास्त्र है हिंदी में। शास्त्र मतलब अनेक प्रकार की स्वर लहरियां जहाँ चलती फिर थी, राग रागनी जहाँ बसते थे। घर घर होते राग कहता है, और कोठरी कोठरी में गीत संगीत का प्रवाह चलता था। हुआ क्या, वे मंदिर खाली पड़े। अब वो मंदिर खाली हो गया, सुनसान खंडहर में तब्दील हो गया। बैठन लागे काल, अब खंडहर पर आकर के कौवा बैठ रहे हैं, कोई उड़ाने वाला भी नहीं रह गया। हम बैठे हैं जहाँ पर, वहाँ भी दशा होने वाली है। हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारे शरीर पर ही बैठ करके कौवा काँव काँव करेगा, और खुला पड़ गया तो नोच नोच करके खाएगा। कहा चुनावे मेड़िया, चुना माटी लाए, मिस सुनेगी पापनी, दौड़ के लेगी आए। क्या कहते हैं, चुना मिट्टी में गा करके ये बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा मकान क्या बनवा रहे हो। ये पापनी मृत्यु सुनेगी तो दौड़ करके आएगी, अब दबोच लेगी कि बेटा चल, ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मकान कुछ और जगह है। कहा चुनावे मेड़िया, लंबी भीत उसारी, घर तो साढ़े तीन हाथ, घना तो पौने चार। लंबी भीत, लंबी दीवार और लंबा बरामदा के सहित, तल्ले पर तल्ले ऊंचा मकान, तू क्या बना रहा है। तुम्हारा घर तो साढ़े तीन हाथ का है, और ज्यादा हो गया तो पौने चार हाथ। मर गए आदमी, कब्र खोद दिया, साढ़े तीन हाथ खोद दिया, तो पौने चार हाथ बस, उसे अधिक आवश्यकता तो है नहीं। इन शासन सदगुरु कबीर कह रहे हैं, उस घर की याद करो अंत में जिस घर में तुम्हें जाना है। कोई जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन घर वाले जबरदस्ती निकाल कर वहां ले जाएंगे। ये सारी साखियां हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए है, लेकिन तब अहंकार टूटेगा जब हमारे भीतर संवेदना होगी,
सचमुच में वो मुमुक्षा होगी, कल्याण की कामना होगी। नहीं तो हम कहेंगे अरे सब तो पढ़ने और सुनने और के लिए और लोगों को बताने के लिए है, पढ़ते सुनते बताते जिंदगी बीत जाती है। संवेदना न होने के कारण अहंकार और बढ़ता चला जाता है। थोड़ी भी संवेदना होगी तो ये साखियां हमारे मन को मत करके रख देगी, बैराग बढ़ा देगी। नहीं है तो कोई कितना भी कहता रहे, फर्क क्या पड़ने वाला है। पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण फिर भी रोके ठाम। पांच तत्वों से निर्मित इस शरीर का नाम मनुष्य रखा गया। दिनाचार के कारण चार दिनों की जिंदगी, तो चार दिन की जिंदगी और चार दिन के क्षणिक विषय भोग राग रंग शासन सत्ता अधिकार स्वामित्व पद इनके मोह में पड़ करके फिर रोके ठाम ये जीव अपने मुक्ति के काम को बार बार रोकता रहता है। और देख लो और सुन लो और अधिकार कर लो और लोगों पर अपना शासन जमा लो, बस मुक्ति का काम कल्याण का काम छोड़ता रहता है। पाकी खेती देख के गर्व किया किसान, अधू झोला बहुत है घर आवे तब जान। खेत में खड़ी पकी हुई फसल को देख करके किसान गर्व किया करता है, गर्व पूर्वक कहता है भैया ऐसे मेरे खेत में फसल नहीं हुई है, मेरी चोटी का पसीना एक किया है, खून बहाया है मैंने, पसीना नहीं बहाया है तभी फसल हुई है। अब तो खूब बैठ करके चार महीना आराम से खाऊंगा, जितनी जैसी मेहनत किया है अब ऐसा ही आराम करूंगा। खेती खड़ी पकी फसल को देकर किसान ऐसे अहंकार पूर्वक कहता है। कबीर साहब कहते हैं भाई अभी अहंकार मत करो, अभी भी बहुत विघ्न है, अभी तो तुम्हारी फसल खेत में खड़ी हुई है पककर तैयार है, क्या पता लग जाए आग अब यहीं कहीं जल करके राख हो जाए, क्या पता खूब बरसात हो अब पत्थर पड़े एक खेत में ही फसल सब बर्बाद हो जाए। तब ये तुम जब ये फसल कट करके और दा करके तुम्हारे घर पहुंच जाए तब समझना कि हाँ अब ये फसल मेरी है, ये अनाज मेरा है, अब मैं आराम से बैठ करके खाऊंगा। किसान बड़ी मेहनत करता है, बड़ी अच्छी फसल खूब पककर तैयार, कई बार होता है आग लग जाती है, गर्मी दिनों में प्राय अखबार में आता है आग लगने से इतने बीघे की फसल नष्ट हो गई, आग लग गई किलोमीटर से किलोमीटर तक मीटर तक गन्ने की फसल जल करके राख, नहीं तो भयंकर बरसात हो गई। ऐसी सुंदर जवानी देख करके अहंकार मत करो कि सुंदर जवानी मिली हुई है, इसे कल्याण का काम कर लो तो समझना है तुम्हारा शरीर सार्थक हुआ। कोई भी योग्यता मिले, सदु के यहाँ कहने का अर्थ है कि कैसी भी योग्यता मिले कैसी भी उपलब्धि हो उसका अहंकार मत करो, उसे तुम काम ले लो, जितना तुम काम लिए वो तो उतना तुम्हारा हुआ बस, बाकी तो दूसरे का है, किसका है कहा भी नहीं जा सकता।
हार जरे लकड़ी जरे, जले जलावन हार, कौतुक हारा घी जले, कासों करूं पुकार। बहुत प्रसिद्ध साखी है यह हजूर कबीर की। आदमी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ करता है। यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि आदमी भोजन करता है, रोग आ गया तो दवाई करता है, कमजोरी है तो उसके दूर करने के लिए दवाई खाता पीता है, ऐसा यहाँ नहीं है। वो सब तो एक व्यवहार है, करना पड़ता है। लेकिन शरीर की जिन हड्डियों को देख करके आदमी अहंकार करता है कि मेरा शरीर ऐसा बलवान, इतनी ताकत है मेरे शरीर में, दूध में पला है ये शरीर, ऐसे मत समझना। एक दिन वो आएगा, सदगुरु कहते तुम्हारे शरीर की पुष्ट हड्डियां जल जाएंगी, शरीर छूट जाएगा, लोग संतान में घाट में ले जाएंगे, सीता बना देंगे, रख देंगे शरीर को, फूंक देंगे तो शरीर की हड्डियां जल जाएंगी। लेकिन हड्डी ऐसे तो जलेगी नहीं, हड्डी जलेगी लकड़ी जलने से। हड्डियों को जलाने वाली लकड़ी भी जलेगी, खाली हड्डी थोड़ी जलेगी, शरीर थोड़ी जलेगा। जिन लकड़ियों ने शरीर को जलाया वो लकड़ी भी जल करके राख हो जाएगी। लेकिन लकड़ी ही अभी अपने आप थोड़े जलती है, उसमें आग लगाने वाला कोई दूसरा होता है तब लकड़ी जलती है। कोई आग न लगा तो लकड़ी कैसे जलेगी। तो जले जलावन हार, जिन्होंने लकड़ी में आग लगाई जिन उसे भी जलना है। कौतुक हारा भी जले, और जो तमाशा देखने वाले गए थे संतान यात्री, सीता जलते हुए देख रहे थे, एक दिन उन सबको भी जल जाना है। कासों करूं प्रार्थना, तो मैं किससे पुकार करूं कि भाई मुझे आकर बचा लो, किसकी शरण में जाकर के बच सकते हैं। बहुत हृदय द्रावा थे साखी सदगुरु कबीर की। कोई ऐसा नहीं दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी शरण में जाकर के हम पुकार करें भैया तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब मुझे बचा लो। सब तो जलने वाले हैं, किसी शरण हम जाकर के नहीं बच सकते। एक ही शरण है, ज्ञान की शरण, आत्मा की शरण, सद्गुरु की शरण। सद्गुरु द्वारा ज्ञान मिलता है, ज्ञान का अर्थ है अपने आत्मा का स्मरण। उसको छोड़ करके और कोई शरण नहीं है दुनिया में, जहाँ जाकर के जिस शरण का आधार लेकर के हम जलने से अपने आप को बचा सके। सारा संसार क्षणभंगुर, और उसी का हमें बड़ा अहंकार, तो साथ देने वाला है नहीं। घर रखवाला बाहिरा, चिड़िया खाई खेत, आधा परधा उबरे, चेत सके तो चेत। घर का रखवाला बहिरा है, खेत में फसल खड़ी है, रखवाला बैठा हुआ है, चिड़िया चू चू करते हुए आ गई, चिड़िया खेत को चुग रही है, फसल खा रही है। किसी ने आकर के रखवाला से कहा, अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो रखवाली करने के लिए, और देखो तुम्हारी फसल को चिड़िया खा रही है, वो है बहरा, सुनता ही नहीं है। तो खेत का रखवाला बहरा है, सुनता ही नहीं है, चिड़िया खेत को खा रही है। क्या कहते हैं, देखो आधा परधा जितना तुमसे बच सकता उतना बचा लो, और सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ। जितना खा लिया चिड़िया तो खा लिया, अभी सावधान हो जाओ, जितना बचा उतने को बचा लो।
कि शरीर मानो एक खेत है, जीव इसका रखवाला है, लेकिन वो हो गया बहरा, गुरु का ज्ञान वो सुनना नहीं चाहता, गुरु ज्ञान सुनने से बहरा है। वैसे जीव बहरा नहीं है, विषय वासना की बात सुनाओ तो मुर्दा भी जग जाएगा हो सकता है सुनने के लिए, लेकिन ज्ञान की बात सुनने के लिए सब बहरे बन गए। शरीर का रखवाला जीव वो हो गया बहरा ज्ञान की बात सुनने के लिए, इसलिए हो क्या हो रहा है, काम क्रोध रूपी चिड़िया इसके शांति फसल को ज्ञान सद्गुण फसल को चुन चुन कर खा रहे हैं। साहब कहते हैं जितना खा लिया खा लिया, आधा प्रधा उबरे, अभी तुम सावधान हो जाओ, चेत सके तो चेत भी सावधान हो जाओ, अभी तो जितना बचा है आधा प्रधा उतने को बचा लो, उतना ही काम भर का हो जाएगा। लेकिन तब होगा ये जब हम ज्ञान की बातों को सुने और सुन करके सावधान हो जाए, चेत जाए। मौत बिसारी बावरी अतरत किया कौन, तन माटी में मिल गया जो आटा में लौन। सदगुरु कभी कभी कहते हैं ऐ पगले, तूने मौत को भुला दिया, तुम्हें आश्चर्य में किसने डाल दिया है। अरे अभी मौत बहुत दिन बाद आएगी, अभी क्यों घबराते हो, ऐसा कह करके तुम्हें किसने भुला दिया है। ध्यान रख, एक दिन आजकल में देखते देखते ये तुम्हारा शरीर मिट्टी में उसी प्रकार मिल जाएगा जैसे आटा में नमक मिल जाता है। आटा में नमक मिल गया, अब अलग कैसे करोगे, ऐसे ही तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अब वो दिन आने वाला है, लेकिन तुमने मौत को भुला दिया है, असावधान। उस मौत की याद करो और याद करके सावधान हो जाएं, बैराग जगा लें, तो काम बनना है। काम बन गया, कल्याण हो गया, आत्म शांति मिल गई, फिर शरीर को तो मिलना ही मिलना है, चाहे राग करें तो इसे मिलना है, बैराग करें तो मिलना है मिट्टी में। लेकिन जिन्होंने अपने कल्याण का काम किया उसी का शरीर पाना सार्थक हुआ। बाकी हम सब बेगार कर रहे हैं, बस बेगारी ढो रहे हैं। अब बेगारी ढो रहे हैं फिर से छूटेगा, फिर बेगार ढोने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। सदगुरु सावधान करते हैं बेगारी मत करो, अपना कल्याण का काम करो, उसी के लिए जीवन मिला हुआ है।